रातों ने मेरी नींद उड़ गई। जिदा विछड़ा उन्होंने पता विछोड़ा की चीज़ है, जिस भैन का वीर विछड़ा उन्होंने पता विछोड़ा की चीज़ है, जिस माँ का पुत विछड़ा उन्होंने पता विछोड़ा की चीज़ है, जिस भाई का भरा विछड़ा उन्होंने पता विछोड़ा की चीज़ है, जिस बीबी के सिर का साई विछड़ा उन्होंने पता विछोड़ा की चीज़ है, जिस मुरीद का सेवक का गुरु विछड़ा उन्होंने पता विछोड़ा की चीज़ है। कुछ जमाना संताली के वेले बाबिया ने वेला देखे है, लोग चुल्हिया दे विच पाथियां मंगाते रखना, सब्जी बनाने तो बाद भी चुल्हा मंगता रहना, क्योंकि माचिस माचिस मुक जानी तो कहना फलाने दो अग लै, गुआढ़ियों अग लै, जो अपने घर नहीं तो अग लैन जाते तो उनकी खुशी के बच्चे की क्या अग लै बाबा बुले शाह और साईं लाडी शाह दरबार से छला सुनाया से
चले दे दीवाने भी बैठे हैं तो जनाब हाँ पहले न बार बार उन पर नजर गई हमने बचाई लाख मगर फिर उधर गई उनकी नजर में कोई तो जादू जरूर है जिस पर पड़ी उसी के जिगर तक उतर गई उनसे हर वक्त मेरी आंख लड़ी रहती है देखिए एक ऐसे बचे शेर नहीं लगा मेरे रश के कमर के लेकिन अपने वाले शेर पेश कर रहा खेड़ा उनसे हर वक्त मेरी आंख लड़ी रहती है उनसे हर वक्त मेरी आंख लड़ी रहती है क्या लड़ाता है लड़ने पे अड़ी रहती है क्या लड़ाता है लड़ने पे अड़ी रहती है उनसे मेरे रश के कमर तूने पहली बच्चे तो साढ़े कमाना दे लगते हैं जी कुर्ते बहुत सोने पाए काले काले कुर्ते आज जी स्टेज पे बैठो साढ़े नाल छोटी छोटिया सुना जी फरमेशर ज्यादा इस तो बाद तोता जी तोते तो बाद सोनी दे कड़ी की फरमैश आई है जी कले उत्ते मेहरमा वे मैं कदों की कड़ी ये फिर छला सुना जी छला कदों को सुनाई समा बड़ा बा कमाल से साईं लाठी शाह दरबार से गा रहे हैं उदो एक नंबर बड़ी मुश्किल नहीं लगता सी पार्टियां बहुत ज्यादा सी असी गा के जो हटन लगे साईं लाठी शाह जी अंदर आ गए कहने भी इन्हों मैं सुनना इन्होंने कवलों मैं सुनना इन्होंने टाइम होर दो तो जनाब ए साईं जी बैठे हैं नाल गुरदास मान साहब उन्होंने उन्हों का गीत बहुत मकबूल होया सी तबलेबाजी सुन करके जो लगे गाउण कमाल साईं जी बैठे नाल इदा साईं जी बैठे गल्लां कर रहे हैं साईं जी मैनू कहिंदे वे ओ कवाली सुणा जिहड़े तुहाडे बजुर्ग गाउंदे सी असीं कहिंदे किहड़ी कहिंदे मेरे रांझा पल्ले विच पा दे मां इहना कुछ होर ना हुण रांझा कौण है ते हीर किहड़ी है रांझा गुरु सेवक जिहड़ा ओह हीर है तां साईं जी उहनां दी रमत सी उहनां दी इह रमत सी दोस्तों पहले असी छला गा रहे थे छला पेश कर रहे हैं उधर के बच्चे छला बहुत मशहूर होया साडे छला छले नाल साडी बड़ी पहचान हुई है ते मेरे राजा बन गए सीन सुहागणियों नु कहियो जेनु गुरु प्यार नाल तके जेड़ी विच मंजूरी नाही ओलो दोही जहान दी रफीक ओदी ओथे रहनी जेदी आप पत मुर्शिद रखे रफीक ओदी ओथे रहनी
ਦੀ ਆਪ ਪਤ ਮੁਰਸ਼ਦ ਰੱਖੇ। ਕਮੇਟੀ ਵਾਲੇ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਬਾਅਦ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜੀ, ਹਾਂਜੀ ਟੀਮ ਇਕੱਠੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਆਪਣੀ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਲੜਾਈ ਹੋਣ ਲੱਗਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਗੁੱਸੇ ਰਾਜੇ ਹਾਂਜੀ ਰੱਬ ਇਹਦਾ ਵਕਤ ਨਾਲ। ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਸ਼ੇਰ ਹੈ ਜੀ ਦਿੱਲੀ ਵਾਲਿਓ। हम है सरे दरबार तो फिर डर काहे का, जब सामने है सरकार तो फिर डर काहे। मारो तालियां जोरदार। जब सामने है सरकार तो फिर डर काहे का, रोज हशर में हम भी बख्शे जाएंगे, जब वो है जिम्मेदार तो फिर डर काहे का, जब वो है जिम्मेदार। हाँ एक शेर समझियो ऐन सलाम रदे गए ओ यार दे दर तो जिना कीता गैर कलाम। इश्क नु खेडना समझने आजी एते सब तो सख्त मुकाम। वार दे हर शै यार अपने तो, वार दे हर शै साई अपने तो, ये जितनी इश्क दी बाजी। वार दे हर शै साई अपने तो, ये जितनी इश्क दी बाजी। यार दे ना दी नीत खलो जा, तेनू आखण इश्क नमाजी। यार कहे ते कुंगरू पाले, चाहे फतवे लामण काजी। ओ लोक न्याजी रुस जाण पावे, असी साई नू रखना रा। असा साई नू रखना रा। एक बीबी अपने बच्ची नू, लड़की नू 16-17 साल दी लड़की नू नाल लेके साई दे दरबार ते गई। साई दे दरबार ते छले मुंदियां दे छट्टे दित्ते जांदे, जिद्दण झंडे दी रस्म हुंदी है छले मुंदियां दे छट्टे दित्ते जांदे ने। ओ लड़की ने, लड़की दे हत्थ छल्ला आया, छल्ला जदों पहनिया पहनदिया सारी ओहदी दुनिया जिहड़ी सी बदल गई। मस्तां दी मस्ती चढ़ गई, दीवानी हो गई। मां दे कोल आके कहंदी नी माए, मां साईं दा छल्ला पहन के मेरी दुनिया बदल गई। मैं हुण ओ नहीं रही, बस हुण मैं साईं दी दीवानी हो गई है। छल्ला पा के की कहंदी नी माए 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 ਸ਼ਾਨਾ ਦਿਖਾ ਦਿਆ।
ਦੀ ਮਹਿਫਿਲ ਹੈ ਫਿਰ ਜੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਧੂਮ ਕਿਉਂ ਨਾ ਮਚਾਈਏ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਹੱਥ ਖੜੇ ਹੋ ਜਾਓ ਇਹ ਤਾਲੀਆਂ ਵੱਜਦੀਆਂ ਨੇ ਤਾਲੀਆਂ ਵਜਾਉਂਦੇ ਰਹੋ अपने मालिक का दर मूल नहीं छड़दे भावे सौ सौ पैमन जिते उठ बुलिया तू यार मना ले ने तबाजी ले गए कुत्ते ते थुकते उठ बुलिया उठ यार मना ले उठ बाजी ले गए कुत्ते पर देखी कुत्ते बाबा बुल्ले शाह तोता इको जात है देखो सूफी संता ने एक भुलेखा चुकया जातां दा श्री गुरु ग्रंथ साहब महाराज दे विच भी कहा है कि अबू लल्ला नूर पायो कुदरत के सब बंदे एक नूर से सब जग उपजे कौन भले कौन मंदे तो जनाब हजरत बाबा बुल्ले शाह ने भी ये लिखा कि तोता इको ही है लेकिन नाम दो रखे गए हिंदुआ ने नाम ओदा राम रख लिया गंगा राम मुसलमाना ने नाम रख लिया मियां मिठू है की सी ओ तोता है तोता लेकिन नाम दे नाल ओदी जात बन गई तोता इको ही जात है मियां मिठू ते गंगा राम मियां मिठू पड़े कलमा नबी दा गंगा राम पुकारे राम राम बुल्ले शाह जद पिंजरियों निकलिया उदो ना कलमा ना राम वो तोता है भी नहीं बोलदा Oh,
कपड़े दी जात है रू सोनी का कड़ा मर्दी एक नसीहत कर दी है केड़ी कच्चा गुरु ना
ਫੜਿਓ ਵੇ ਲੋਕੋ ਸੋਹਣੀ ਵਕਤ ਡੁੱਬਣ ਤੇ ਕਹਿੰਦੀ ਕੱਚੇ ਵਸੀਲੇ ਕਦੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੇ ਜੇ ਮੈਂ ਕੱਚਿਓ ਮਨਾ ਕਰੇਂਦੀ ਜੇ ਅੱਜ ਪੱਕਾ ਵਸੀਲਾ ਫੜ ਲੈਂਦੀ ਤੇ ਵਸਲੋ ਜੁਦਾ ਨਾ ਰਹਿੰਦੀ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਲਿਬਾਂ ਤੇ ਤੀਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਸਹਿੰਦੀ ਕੱਚੇ ਨੂੰ ਯਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤਾਲਿਬ ਅੱਜ ਤੀਰ ਵਿਛੋੜੇ ਦੇ ਸਹਿੰਦੀ ਸੋਹਣੀ ਕੌਣ ਤੇ ਕੜਾ ਕਿਹੜਾ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆ ਕੜੀ ਜੀ ਨੂੰ ਕੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਕੜਿਆ ਇਹ ਕੜਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਰੂਹ ਆ ਉਹ ਕੱਚਾ ਕੌਣ ਤੇ ਕੜਾ ਕੌਣ ਤੇ ਸੋਹਣੀ ਕੌਣ ਸੋਹਣੀ ਰੂਹ ਬੁੱਤ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਕੜਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਓ ਜਾਓ ਮਿੱਟੀ ਲਿਆਓ ਕੁਛ ਤਿਆਰ ਕਰੀਏ ਪਹਿਲਾਂ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਆਇਆ ਮਿੱਟੀ ਲੈਣ ਜ਼ਮੀਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਕੁੱਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕੀ ਗੱਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਜਾਣੀ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਮਿੱਟੀ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਕਰੀ ਗਈ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਐਸਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿ ਚੱਲ ਹੁਣ ਤੂੰ ਚੱਲ ਜ਼ਮੀਨ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਤੂੰ ਜਾ ਤੂੰ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਰੂਹ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦਾ ਜਾ ਜਦੋਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟਣ ਲੱਗਾ ਜ਼ਮੀਨ ਕਹਿੰਦੀ ਠਹਿਰ ਜਾ ਮਿੱਟੀ ਨਾ ਪੁੱਟੀ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਉਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਮਿੱਟੀ ਲਿਜਾ ਕੇ ਉਹਦਾ ਬੁੱਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦੇਣਾ ਉਹਨੇ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਉਹ ਗੁਨਾਹ ਕਰਨੇ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣੇ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਮਿੱਟੀ ਦੇਣੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲੈ ਮੈਂ ਉਹ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਮੈਂ ਖਾਲੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਬੰਦੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੂਹ ਖਿੱਚ ਕੇ ਲੈ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਜਿਹੜੀ ਮਿੱਟੀ ਆ ਮਿੱਟੀ ਤੇਰੀ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਜਿਆ ਕਰਾਂਗੇ ਤਾਂ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀ ਰੂਹ ਉਹ ਲੈ ਜਾ ਤੇਰੀ ਮਿੱਟੀ ਤੈਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਤੂੰ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੋ ਬੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਇਹਦੇ ਚ ਮੌਜੂਦ ਰੂਹ ਨਿਕਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਇਹ ਮਿੱਟੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਜਨਾਬ ਮਿੱਟੀ ਲੈ ਗਿਆ ਬੁੱਤ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਬੁੱਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੇ ਚ ਰੂਹ ਪਾਓ ਜੀ ਹੁਣ ਇਹਦੀ ਸ਼ਕਲ ਕਿੱਦਾਂ ਦੀ ਬਣਾਈ ਹੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜਾਓ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਖੋ ਰੱਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਇਆ ਬੁੱਤ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਰੂਹ ਪਵਾਤੀ ਆਪਾਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਤੇਰੇ ਫਿੱਟੇ ਮੂੰਹ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਨਾ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਰੱਬ ਦਾ ਆਪਣਾ ਚਿਹਰਾ ਹੈ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤਾਲੀਆਂ ਮਾਰੋ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ ਇਹ ਚਿਹਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਸੂਰਤ ਰੱਬ ਦੀ ਹੈ ਰੂਹ ਫੂਕ ਦਿੱਤੀ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੇ ਬੁੱਤ ਉੱਠ ਕੇ ਖੜ੍ਹ ਗਏ ਬਹਿ ਗਏ ਸਾਰੇ ਫਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕ ਦਿੱਤਾ ਇੱਕ ਫਰਿਸ਼ਤਾ ਜਿਹਨੇ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਸੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣਾ ਇਹਨੂੰ ਨਹੀਂ ਟੇਕਣਾ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਮਿੱਟੀ ਦਾ ਪੱਥ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਮੇਰਾ ਹੁਕਮ ਹੈ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਆ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਚੱਪੇ ਚੱਪੇ ਤੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰਾ ਰੱਬ ਆ ਇਹਨੂੰ ਟੇਕ ਮੱਥਾ ਹੁਕਮ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨਿਆ ਜੀ ਰੱਬ ਨੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ ਤੈਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਦਾ ਖਿਤਾਬ ਦਿੱਤਾ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਇਬਲੀਸ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਇਬਲੀਸ ਉਹ ਹੁਣ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਦੋਂ ਧਰਮ ਕੰਮ ਚੱਲ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਜਦੋਂ ਵਿੱਚ ਲੜਾਈ ਕਰਾਉਂਦਾ ਉਹ ਕਰਾਉਂਦਾ ਸ਼ੈ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੈਤਾਨ ਆਦਿ ਉਹ ਇਬਲੀਸ ਫਰਿਸ਼ਤੇ ਦਾ ਨਾਮ ਲਓ ਜਨਾਬ ਉਹਨੂੰ ਸ਼ੈਤਾਨੀ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤੀ ਕਿ ਜਾ ਤੂੰ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੱਚਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੱਚਾ ਹੁਣ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹਜ਼ੂਰ ਉਹ ਪੱਕਾ ਕੜਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਉਹ ਇੱਥੇ ਵੀ ਕੱਚਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਵੀ ਕੱਚਾ ਉਹ ਜਨਾਬ ਸੋਹਣੀ ਨੇ ਕੜੇ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਇਆ ਕੜਾ ਕੱਚਾ ਸੋਹਣੀ ਦਾ ਇਰਾਦਾ ਪੱਕਾ ਕੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਜਾ ਮੁੜ ਜਾ ਪਿਛਾ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕੱਚਾ ਆ ਤੈਂ ਖੁਰ ਜਾਣਾ ਮੈਂ ਖੁਰ ਜਾਣਾ ਤੈਂ ਰੁੜ ਜਾਣਾ ਕਹਿੰਦੀ ਕੜਿਆ ਤੇਰੇ ਕੱਚ ਵੱਲ ਦੇਖ ਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਪੱਕ ਤੋੜ ਬੈਠਾ ਦੁਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰਾ ਨਾਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਜੇ ਮੈਂ ਡੁੱਬ ਵੀ ਜਾਵਾਂਗੀ ਮਰ ਜਾਵਾਂਗੀ ਦੁਨੀਆਂ 'ਚ ਨਾਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਅੱਜ ਸੋਹਣੀ ਦੇ ਕੜੇ ਦੀਆਂ ਕੀ ਗੱਲਾਂ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਰ ਮਾਵੇ ਆ ਜਾ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ ਮਹਿਰ ਮਾਵੇ ਆ ਜਾ ਕੰਢੇ ਉੱਤੇ
जनाब सकील रसीद साहब जी फलौर वाले हाँ जी इदा ही पंडाल बैठने की कृपालता करो ताजो अगली कार्रवाई शुरू की जाए। आया, तोड़ी रड़ फर रही है, मस्ता दी दर पे आगे, सेवा रड़
चढ़दियां कला हर दिन फजे करन पैणा वालों बहुत सारा आशीर्वाद आया है।
दादा जी चरण गला बख्शन हरम दान फतेह बख्शन तो मेहरबान शुक्रिया हाँ जी ताड़ियां लाते खुल के मस्ता नहाते बहुत सारा आशीर्वाद जो है बोल होंगे तुम घटा करो मन जापी हाँ जी प्यार दी मंजर दूर दरेडी ते किते राह विच जांदा छिड़की ना सावा पी लई लग जा पशू मस्ता दे चरनी ते दर आए नो छिड़की ना करकेदार नी तुम लाल दी Happy
दार नहीं तू मंगी लाल नी हर के दार नहीं तू मंगी लाल नी करेदार नहीं तुम लाल ताड़ियां ला दे खुल के दाते हैं जी। आखिरी गल करनी है तलवार तो की। बहुत बहुत धन्यवाद जी। मेले दियाँ पजूमस्त मेले दियाँ बहुत बहुत लख लख बधाइयां जी। समूह प्रबंधक कमेटी बाहरों पिंडों आए हुए रिश्तेदारों के भी बहुत धन्यवादी हैं जी। होर समूह ग्राम पंचायत पिंड आदि गाली के भी बहुत धन्यवादी हैं जी। है परमात्मा इदा ही तंदुरुस्तियां बख्शे। हम अज मेले के कई रूहां नहीं मिली। सो इस करके मेले चलने तो है ही है पर अपने आप में कोई घाट महसूस होंगी है। थोड़ा जहाँ आप सभ्याचारक थोड़ी जा कर लीए ना। इन्ना ज़्यादा भी नहीं है जिदा मतलब अपने पुराने कलाकार ही करते होंगे सी इदा दे। यारा नी केड़ा ले पापी चोरिया
ਪਹੁੰਚਾਇਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਜੀ। ਹੈ ਸੁਖਵੀਰ ਸਿੰਘ ਭਾਜੀ ਤੇ ਸਾਡੇ ਧਾਰੀਵਾਲ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਮੀਕੇ ਭਾਜੀ ਹੁਣੇ ਪਿਛਲੀ ਜੇਬ ਜਹਾ ਤਮਾ ਆਇਆ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਾਰੀ ਭਾਜੀ ਹੋਣੀ ਆ ਗੁੜੀਆ ਸਾਡੀ ਬੀਬੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਰਮਨ ਹੋਣੀ ਹੋਰ ਸਾਰਾ ਆਹ ਸੋਨੀ ਦਾ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਹੀ ਆ ਮੇਰਾ ਗਾਲਾ ਓਏ ਜਦੋਂ ਦੀ ਧੀ ਤੇਰੀ ਹੋ ਗਈ ਮਟਿਆਰ ਬਾਬਲਾ ਪੇ ਕਾਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਇਹਨੂੰ ਧੀ ਕਾਹਨੂੰ ਸਮਝੇ ਇਹਨੂੰ ਸਿਰ ਤੇ ਭਾਰ ਬਾਬਲਾ ਪੇ ਸੋਚੀ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿਣਾ ਸੋਚੀ ਡੁੱਬਿਆ ਰਹਿਣਾ ਨਾ ਸਕਦੀ ਦੇਖ ਬਾਬਲਾ ਪੇ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲੇਖ ਬਾਬਲਾ ਵੇ ਧੁਰੋਂ ਲਿਖਾ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੀਆਂ ਧੀਆਂ ਲੇਖ ਬਾਬਲਾ ਵੇ
पहुंचे ने विचकार वह भी अपनी कला का रन कर गए बहुत अच्छे फनकार ने तो हाँ जी हाँ जी चलो जो संगत संगत का हुक्म जिन्हें भी संगत बैठी सारिया ने कलाकार का मान किया पवन बदल ने मेरा 20 रुपए मान किया सियाने कहते जे पिठ से बेइज्जती करवानी हो सरपंच बनना चाहिए जे मूँह से बेइज्जती करवानी है निम्बे वांगू स्टेट सैकटरी बनना चाहिए सो 4 बजे तक मूँह से बेइज्जती करवानी है असी पवन बदल ने सिर्फ मेरा माण किया मैं धन्यवाद दी बाकी सारे कलाकारों का माण करते हैं सो बड़ा टाइम ना लेंदा होया समय नू समझिया जाए समय के बच ही आवे गोपी सिकंदर एक मिनट भाजी मैनू भी मैं बोलने सद्या गोपी सिकंदर स्टेज पर हाँ जी अपना प्रोग्राम पेश कर तेरा तेरा तुझको सौंपते क्या लागे तेरा भाना मीठा लागे वज इस पाक पवित्र दरबार से जिन्नी भी संगत आई हुई है सारी संगत को मातावान भैनों वीर बच्चों बजुर्गों और संतों भगतों महापुरशा मेरा कोटि कोटि प्रणाम है और जिन्हें भी सेवादार मैं बहुत ऋणी है मेरा वीर शिंद्रपाल जी और साढ़े मीका प्रधान जी जिन्हों की बदौलत अज इतने पहली बार हाजिर लगाने का मौका मिला और जिन्ना के समय मैं दिता गया मैं कोशिश कराँगा कि आप सब ने दादा जी के नाल दादा जी के प्यार के नाल चरणा नाल जुड़ के जावा थैंक यू Thank you.
मेरा भी चंद्रपाल जी बहुत भारी समय बने दादा जी जन ताड़ियां।
तो ये सर गोपी सिकंदर जिन्होंने बहुत वधिया अपने साडे सामने गीत गाया। इस तो बाद आ रहे ने जिमी नार नूरमहल तो सो बड़ा समा नहीं लेना वो अपने कलाकार का पेश करेंगे। हाँ जी तो जिदा मेरे को लिस्ट आई है उदा करी जानी आ। कलाकार भीर काले हो गए आ ये ज़्यादा तंग की तो मैं सारे उपर चढ़ के कवाली बना लेनी आ सो इस करके कल कल जाऊँगा। हाँ जी हलो हलो मैनू बहुत दिलों चाया कि मैनू अशोक पटाका जी ने सुनेहा दिता सवेरे भजू मस्ता के दरबार से जाना दिलों मैं चाया तो चाह के खुशी में की कह रहे सुरफन राजा जी ਸਾਡੇ ਹੰਡ ਸਪੰਦੇ